अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है और राम मंदिर आंदोलन के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत हाथ रहा है। एक तरह से कहे कि नींव की पत्थर उन्होंने ही तराशी बनाई और जिस पे आज भव्य राम मंदिर खड़ा हुआ है। हमारे साथ अली गुप्ता जी हैं, दिल्ली के सह प्राण प्रचारक। अनिल जी, आपको लग रहा था कि जिस तरह जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया था तो ये सपना सच हो पाएगा? ऐसा है कि जो हिंदू है ना, वो कभी हारता नहीं है। हमें ये मालूम था देर सवेर होगी, लेकिन ये हमें पक्का था कि ये जो स्वप्न है ये पूरा होगा, और वो स्वप्न ईश्वर ने पूरा किया। उस प्रभु राम का बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सर कि जितना बड़ा आयोजन है, जिस तरह के अभी बीच बीच में हर्डल है, आपको लगता है ये आपके लिए भी चुनौती है, बड़ी चुनौती है इतने बड़े अतिथियों को बुलाना, व्यवस्था करना, सब कुछ करना? ऐसा है, ये राम का काज है। जब इतने बड़े बड़े आंदोलन चला लिए, आज तो खुशी का दिन आया है, तो इस खुशी के दिन में तो स्वतः चल के आ रहे हैं जिनके लिए आप चर्चा कर रहे हैं। जो भी हुज़ हू है इस देश का, वो स्वतः चल के आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा आयोजन होगा और प्रभु राम का सबको आशीर्वाद मिलेगा और संसार देखेगा कि ये देश एक कहते हैं। अच्छा सर, ये पूरा आई कार्ड बनाया जा रहा है, देखिए इस तरह जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती कि इतने VIP आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इतना बड़ा आयोजन है। ये बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। राष्ट्र का मंदिर का अर्थ ये है कि पूरे संसार को एक संदेश है वसुदेव कुटुंबकम का, कि 500 साल के बाद भी एक समाज जो है वो लड़ता है लेकिन हारता नहीं है, झुकता नहीं है। उसका ये एक पूरा प्रूफ हुई है, ये बात सिद्ध हुई है। और दूसरी बात समझना बहुत जरूरी है कि बाकी संसार भर के में जो समाज है वो मंदिर चलाते हैं, भारतवर्ष में मंदिर समाज को चलाता है और ये सिद्ध हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो 500 साल में तो समाज हार जाता। तो वो मंदिर था जिसने विश्वास बना के रखा था इस समाज का, और लोगों का उस समाज के साथ सामंजस्य रहा, और आज वो देखिए आपके सामने समक्ष साक्षात होने जा रहे हैं।